अब ये अपना सवाल है, एल एच एस साइड है या आर एच एस साइड है? अपने एल एच एस साइड को हल करते हैं तो अपने को आंसर ये लाना है, इसके हिसाब से देख करके अपने चलना है। तो मैं इन अंश और हर बोलते हैं इसको, अंश और हर दोनों को मैं एक प्लस कोस थीटा से गुणा कर देता हूं, अंश और हर को एक प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर, गुणा करने पर साइन थीटा बटे एक माइनस कोस थीटा गुणा बटा सॉरी बटा, अब गुणा करेंगे, गुणा एक प्लस कोस थीटा और एक प्लस कोस थीटा, यानी अंश और हर दोनों को एक जैसे से गुणा करेंगे। अब ये तो आ गया साइन थीटा कोष्टक एक प्लस कोस थीटा ऊपर वाला, नीचे वाला देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है तो पहले का होल स्क्वायर दूसरे का होल स्क्वायर प्लस वाले को छोड़ देते। अब मैं इसका कर दूं एक का होल स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा एक प्लस कोस थीटा बटा में एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस कोस स्क्वायर का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी अपने इसको ये किया, अब ये किया साइन एक प्लस कोस थीटा, एक का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, अब अपने साइन थीटा एक प्लस कोस थीटा, अब एक का स्क्वायर एक, कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा, अब एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, बराबर साइन थीटा। अब मैं इसकी जगह साइन थीटा रख देता हूँ, साइन थीटा इस पूरे जगह और एक प्लस कोस थीटा, तो यहाँ लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ऊपर जो गुणा में देखो ये साइन और ये साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर उठ गई, एक प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए एल एच एस और आर एच एस बराबर आया, एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम्।